हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है जिनका इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। एक का आईसर भोपाल में हुआ है जिनका नाम शायन है, और एक प्रसन्ना जिनका आईसर त्रिवेंद्रम में हुआ है। प्रसन्ना का ऑलरेडी आईएसआई में भी हो चुका है, सो ये इनका ये सोने पे सुहागा है। और शायन ये आपका, तो प्रसन्ना से मैंने बातचीत करी थी, फिर से बातचीत करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। कैसा लग रहा है सबको बढ़िया से बताने का? साइन थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से ही हुआ। बहुत टेंशन में था, इतना दिन बाद रिजल्ट हुआ है सर। क्यों इतना टेंशन में, क्योंकि क्या था भाई? इंटरव्यू देने वहां गया था, ऑफलाइन था इंटरव्यू, कहाँ गया इसलिए था? सर। भोपाल? भोपाल? हाँ हाँ सर, हाँ सर, अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा था? मतलब ट्रैवलिंग कैसा था जर्नी? वो हरासमेंट बहुत ज्यादा हुआ था हाँ। ऑन ट्रैवलिंग में, या कैसा रहा था वहां पे? इंटरव्यू वगैरह दे के कैसा लगा था? हाँ सर, बहुत, क्योंकि सर मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ तो मुझे 4 टाइम्स इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ट्रेन पर जा रहा था तो इतना गर्मी है उधर कि मेरा इंसुलिन जो थे वो डैमेज हो गया था इतना गर्मी अरे में, और वहां पर जाकर लूज मोशन हो गया था। मेरा ट्रेन था 9 तारीख को और इंटरव्यू था 12 तारीख को, तो हाँ 11 तारीख को गया, लूज मोशन हो गया। तो मैं सोच रहा था कि इंटरव्यू दे पाऊंगा कि नहीं, ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो बहुत सारे टैबलेट खाए, तो उसके बाद दिया, तो वहां पर जो प्रोफेसर लोग थे मेरा हुलिया देख कर ही बोल रहे थे कि इतना नर्वस क्यों, आंखें भी अंदर हो गया था, एकदम वाह, वो बहुत तो नर्वस है, था। वो तो होगा। तबीयत खराब रहता है तो चेहरे से पता चल जाता है। तो इंटरव्यू कैसा, मतलब प्रोफेसर सपोर्टिव थे जब आपका वो हुलिया देखे, कैसा उनका सपोर्ट था? कुछ बढ़िया से बातचीत कर रहे थे हाँ आपसे? सपोर्ट मिल रहा था ढंग से? हाँ सर, चलो बढ़िया, एकदम सर, एकदम पूरा सपोर्ट सर। चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हुआ उसी का नतीजा है ना, थोड़ा सा कष्ट तो लगा है ना। आप जैसे बताया आपको कुछ थोड़े बहुत बीमारियां, वो ठीक हो जाएंगी है ना, ऐसा नहीं मत लेना। अब मैथ अच्छे से करोगे ना, सारा मेडिसिन हट जाएगा धीरे धीरे। अपना एक काम में जब एक पॉजिटिविटी अंदर से आएगी ना, काम में जब फोकस रहोगे तो ऊपर वाला थोड़ा, वहां देर होता है, अंधेर नहीं होता, वो धीरे धीरे ये सब चीज को कुछ ना कुछ तरीके से अच्छा कर देगा। तो अब ज्यादा इसका टेंशन मत लेना, जो आपका जो थोड़ा बहुत आप बीमारी से झेल रहे हैं ना, ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट एन इशू। अब ठीक है, आप वहां से आने के बाद आप कंफर्टेबल हैं? जो आप बता रहे थे जो आपके साथ ऑन द वे हाँ जो हाँ डिजी, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ सर, हाँ सर, अब तो ठीक है। अब कोई बात नहीं, आप तो सीधे वहां जाएंगे, खुशी में स्कॉलरशिप भी मिलेगी तो, और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सर जा रहे हो आईसर भोपाल, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ आपको सर, और अभी यहाँ के कुछ सीनियर भी आपको मिल जाएंगे वहां पे जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं, हाँ हाँ देखा बहुत था। बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलो कोई बात। जी प्रसन्ना कैसा आपका सर, आईस आई फिर ये? खुशी तो बहुत है। गुड गुड। ये आईज आई के पहले कहीं नहीं हुआ था, राइट? हाँ, जैम कुछ में भी भी, नहीं। जैम में मैं बता दूं दोनों का रैंक बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, हॉनेस्टली, है ना? सायन प्रसन्ना दोनों ही हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं और दोनों का ही रैंक बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो ये लोग रैंक बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। सायन आपका रैंक कितना था जैम में, आईटी जैम में? 200 रैंक था मेरे, 200। इट्स गुड नॉट बैड, है ना? आपका प्रसन्ना? 439। हाँ, तब देखिए, नॉट बैड, आई से नॉट नॉट बैड, गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, बट ठीक है। एनीवे, बट इवेंचुअली देखो, मैंने बोला था ना कि अगर मेहनत है, सही दिशा में मेहनत है तो मिलेगा। बोला है ना, ऊपर वाले के अंदर थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है, समय लगता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, वो देखो आपके मेहनत का नतीजा है दोनों जगहों में इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन लेना। बहुत सारे सिंगल डिजिट रैंकर्स है ना, डबल डिजिट रैंकर्स का नहीं हो पाता है वहां पे, क्योंकि इंटरव्यू होता है वहां पे। इंटरव्यू मीन्स नॉलेज, वो डायरेक्ट इम्प्लाई करता है हाउ वाई। तो प्रसन्ना कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? फिर हम साइन पे जाएंगे। त्रिवेंद्रम का कैसा रहा था? ऑनलाइन ही था, काफी अच्छा था। बहुत क्वेश्चन पूछे थे वो लोग, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना सारा पूछेंगे। 17-18 क्वेश्चन पूछ दिए लगातार, हम आंसर भी किए जा रहे थे तो वो रुक ही नहीं रहे थे। लास्ट में जाके वो बोले ठीक है, तुम बहुत दे दिया, यू कैन लीव नाउ। उनको भी लेट हो रहा था, मेरा लगभग 15 मिनट का स्लॉट था, आधा घंटा तक वो लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, 15 मिनट का ही सारे स्टूडेंट को स्लॉट मतलब हाँ जो हाँ अलॉट किया गया था, लेकिन यस सर, यस सर, आपका आधा घंटा? आधा घंटा। हाँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे।
वाह बहुत बढ़िया। कैसा फील आया जब 15 से आधा गया था? उस समय तो पता ही नहीं चला सर, जब इंटरव्यू चल रहा था पता नहीं चला, बाद में घड़ी देखे तो लगा इतना, लेकिन पसीना पसीना हो गए थे परेशान हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन का सारा का आंसर दे पा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। साइन आपका आपका कैसा रहा था सर भोपाल का? सर मेरा इंटरव्यू 45 मिनट चला था सर, तो मेरा तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे कि जो मुझे एक थ्योरी डिफाइन कर दिया था, तो मैं बोला था भी आपका अपर कॉन्टिन्यूस बोल के, वहां से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं कर पा रहा हूँ, हाँ वहां से प्रूफ पूछ रहे थे मैं जो भी बोल रहा था उसका क्यू हाई एंड हाउ, वहां से चला गया बोलियन ओबेस्टस थ्योरम, उसका भी प्रूफ, उसका प्रूफ कैसे आता है, ये सब करते करते चला गया, तो लास्ट में आदित्य भट्टाचार्य जो मैंने एक क्वेश्चन किए थे वो मैं कर नहीं पाया था। आदित्य भट्टाचार्य ऑलमोस्ट प्रोफेसर आपको वहीं से मिलेंगे बोलने की जरूरत नहीं है, लगभग प्रोफेसर वहीं से मिलेंगे बाय डिफॉल्ट है। एनीवे तो कैसा वहां का इंटरव्यू देने के बाद कैसा लगा था कि इंटरव्यू अच्छा गया साइन, या हेल्थ अगर सही रहता तो और अच्छा दे सकते थे, ये फील आया था आपको? हाँ सर वो फील आया था कि हेल्थ अगर अच्छा होता तो कुछ कुछ क्वेश्चन के और भी अच्छे से दे पाता, क्योंकि वो लोग भी क्या था कि वो भी हारी में थे एकदम, मेरा 11:50 में था, 11:50 में इंटरव्यू में गया था और 12:37 को मैं आया था इंटरव्यू से, तो वो लोग भी लंच टंच करेंगे ऐसे समझ में आ रहा था, कोई पानी के बोतल बर्गर टर्गर ये भी था उसके पास, तो वो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन काउंटर करते थे, एक प्रोफेसर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे वो थे संजय कुमार सिंह बोलकर। अच्छा चलो बहुत अच्छा, इंटरेस्ट ले रहे थे तो आपका आंसर भी शायद अच्छा रह रहा होगा, तभी तो इंटरेस्ट ले रहा होगा, अदरवाइज क्यों लेंगे इंटरेस्ट, है कि नहीं? ऑफ कोर्स सी बात है। जैसे इसका भी था प्रसन्ना का, इसका भी जैसे बताया कि 15 मिनट का स्लॉटमेंट था, अब 15 से अगर कोई प्रोफेसर 5 मिनट में ही खत्म कर दिया तो समझ जाइए, है ना, अब 15 मिनट से अगर 20 मिनट में चला गया तो भी समझ लीजिए, तो एक तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका फील कैसा है, कैसा आप इंटरेस्टिंग से आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। बहुत बढ़िया, कैसा रहा था यहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस साइनलाल, हैप्पी खुश नाखुश? सर क्या बहुत था? बहुत बहुत सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सर, एकदम आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक एकेडमिक से बाहर की पंक्चुअलिटी सर, आप 7:30 का क्लास थे मुझे लिंक से 7:15 में दे दे रहे थे, और आप तो मुझे भी डांट रहे थे क्योंकि मेरा बेसिक्स भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए आप 3-3 स्लॉट पर मेरे को क्लास लगा रहे थे, सुबह दोपहर को एक नाइट के टाइम पर। चलो सर आपके वजह से सर, आपके वजह से। अरे नहीं नहीं तुम्हारा मेहनत तो है ही, बहुत बहुत अच्छा लगा, तुम मेहनत किया उसी का नतीजा है। प्रसन्ना आपका? सर सीखे तो बहुत कुछ सर, बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन आप जितना भी कराए वो इतना 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 ज्यादा फायदा किया एग्जाम में, और जैसे इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन के समय आप कॉल करके बताते थे कि ये प्रिपरेशन करो ये करो वो करो, एकदम सही डायरेक्शन में जो होता है, मेहनत तो सर सभी करते हैं लेकिन वो डायरेक्शन वाला जो बात है, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सर सटीक था मेरे लिए, तो मेरा तो सर बहुत बहुत जिंदगी बदल गया सर। अरे ऐसा नहीं यार, तुम करता ही अच्छा करता ही, ऐसा क्या है। साइन इनका आईएसआई में भी हो चुका है, आप ही के दोस्त है, देखे होंगे आप लोग क्लास में जब पढ़ते थे, तो ये था अनंत है ना साइन, ये सब आप ही लोग रेगुलर बैच में एक ही स्टूडेंट हाँ, है, सर। सभी का अच्छे जगह जा रहे, आप भी जा रहे, एकदम टच में रहना है सबसे, है ना, एक दूसरे के टच में हाँ, और मस्त रहना है, ओके, और कोई भी डिस्टर्ब होगा हम है ही, ओवरऑल एकदम टेंशन नहीं लेना, वहां भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है, एकदम मैसेज करना है और मस्ती से रहना, जरूरत वैसे पड़ेगा नहीं मेरा, बट तुम लोग बहुत खुश रहो, बहुत ही अच्छे जगह जा रहे हो, और अपना वाइजली डिसीजन लेना प्रसन्ना, कहाँ जाना है, आईएसआई जाना है आईएसआर त्रिवेंद्र, वो तुम्हारा चॉइस है, ओके, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, है ना साइन, और भी तुमको जहां जाना हो, जहां भी तुम्हारा प्रीवियस सिलेक्शन हुआ होगा, अपना सोच समझ के डिसीजन लेना, ये तुम्हारा चॉइस होना चाहिए, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, तुम देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमको कहाँ जाना है, तुम कहाँ कंफर्टेबल हो सकते हो, सब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट सेम है, आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहां जाके अपना पढ़ाई करो, सारे प्रोफेसर आपको अच्छे मिलेंगे, सपोर्टिव मिलेंगे और अच्छा मिलेगा, ओके। और ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम का एक फायदा होता है कि आप रिसर्च में डायरेक्ट जा रहे हो, मतलब एमएससी तो करोगे ही, साथ साथ आप पीएचडी में भी
आपका अगर अच्छा एकेडमिक रहा तो आप चले जाओगे, और साथ साथ अगर फैमिली कंडीशन भी अच्छा नहीं है, यू विल गेट हैंडसम स्कॉलरशिप्स। आईसर में मेरे ख्याल से 10,000 मिनिमम स्कॉलरशिप्स है, तो समझ रहे हो, 10,000 रुपीज मतलब आप एक अपना 6 महीने का जो फीस है, खाना पीना मैनेज कर सकते हो, एक तरीके से आप घर से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कितनी बड़ी बात है, राइट है ना। और वहां पे भी आईसीआई में भी मेरे ख्याल से वहां स्कॉलरशिप्स हो गए है ना प्रसन्ना, राइट। और वहां तो खैर फीस ही नहीं है यार, वहां क्या फीस, वहां तो जितना वो खाने का चार्ज लेगा उतना ज्यादा तो आपको भाड़ा खर्च हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। बट एनीवे बहुत खुशी मिला आप लोगों को पढ़ा के, मैं बहुत खुश हूँ, और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आगे आप लोग बहुत अच्छा करो लाइफ में, आगे जाओ, आगे बढ़ो, बहुत ही बड़ा नहीं, बस गणित के साथ चलते जाओ, है ना। आज क्या है उसका प्लान करो, छोड़ो 10 दिन के बाद का, सोचो उस पर, काम करो अपना, मजे से लगे रहो, ठीक है, गिरो उठो रगड़ो अपने आप को, चलते रहो, टेंशन नहीं लेना है, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा जस्ट मैसेज, ठीक है, मस्त रहने का लाइफ में, ओके। चलो जो बच्चे लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो तुम लोग को नहीं जानते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे साइन आप? सर मेरे को एक मेरे प्रोफेसर बोले थे कि लुक एट द अल्फाबेट्स, ओके, तो आर के बाद एस आता है, तो अगर तुम भरोगे तो आर से रिजेक्ट होता है, अगर रिजेक्ट मिल भी गया, अगर तुम भरते रह जाओगे तो आर के बाद एस आकर एस तो सक्सेस मिल ही जाएगा, अगर तुम भरते रहोगे तो भरते रह, क्या बात, यही बोले थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सर एकदम सही सही सटीक बोले हो, मैं भी सीख के जा रहा हूँ। प्रसन्ना आपका क्या रहेगा? सर एडवाइस मैथ्स मैथ्स के प्रति तो सर ये रहेगा कि मतलब बुक फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। कोई भी वीडियो देख लेना, सोल्यूशन देख लेना, उससे समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक बुक के साथ ये दिमाग नहीं खराब होगा तब तक नहीं, काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगा, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सजेशन एकदम है ही। और बाकी तुम लोग एकदम मस्त रहो लाइफ में, ठीक है, एकदम मस्त रहने का ऐसे ही स्माइल चेहरा होना चाहिए, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना लाइफ में, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग बहुत ही जल्द, ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल यू सबको, साइन और प्रसन्ना, मस्त रहो लाइफ में, ओके, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, तब तक ध्यान रखो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। और बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो मेल कीजिएगा novelforum05@gmail.com कोर्सेज के संबंध में। चलो बाय बाय टाटा, ओके, ध्यान रखो अपना।